हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सिरसा और फतेहाबाद शहर को बचाने की जद्दोजहद युद्ध स्तर पर जारी है। सिरसा में बाजेखा रोड और फुलका गांव के पास रंगोई नाला का पानी जमा हो चुका है। सिरसा में अब घग्गर नदी का जल स्तर 58,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। वहीं फतेहाबाद में प्रशासनिक अमले ने मुंशी वाली माइनर को तोड़ दिया है, जिसके बाद जिला सरसा के गांव बाजेखा के पास रंगोई नाला ओवरफ्लो हो गया और उसके बाद पानी नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर जा पहुंचा। रंगोई नाला पर बना नेशनल हाईवे के पुल से पानी का रिसाव होने पर आवाजाही बंद कर दी गई है और रूट को डाइवर्ट कर वन वे कर दिया गया है। शहर को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से गांव बाजेखा और फुलका रोड पर 8 से 10 फुट तक ऊंचा तटबंध बनाया गया है। सिरसा जिले में अब घग्गर नदी का जल स्तर 58,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। जिले के अब तक 49 गांव के साथ घग्गर का पानी लग चुका है और 28 गांव में स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। इन गाँव में कभी भी तटबंध टूटने के साथ तबाही मच सकती है। हालांकि जिले के अभी एक गांव बुर्ज करमगढ़ का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, जबकि इस गांव के बाहर बने करीब 30 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। प्रशासन की ओर से शहर को बचाने के लिए बाजेखा रोड और फुलका गांव के खतरे वाले क्षेत्रों के रोड को ऊंचा उठा दिया गया है और यहां पर तटबंध बनाया गया है। वहीं फतेहाबाद जिले में बाढ़ का पानी शहर में ना पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने खान मोहम्मद के पास गांव में 2 मीटर लंबा खाला बना दिया, जिससे पानी निकल रहा है। इसके आगे मुंशी वाली माइनर के भी एक और छोर को तोड़ दिया गया है। फतेहाबाद से निकल रहे 4 लेन के एक और अभी भी पानी भरा हुआ है और हाईवे को वन वे कर दिया गया है। जिले में घग्गर नदी और रंगोई नाले के ओवरफ्लो होने के कारण पानी लगातार फतेहाबाद की ओर बढ़ रहा है। हालांकि पानी को निकालने के लिए प्रशासन ने खान मोहम्मद के पास छीने में 15 जेसीबी के माध्यम से 2 किलोमीटर का खाला खोद दिया है और पानी उसमें आने लगा है। वहीं आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें सिरसा, हिसार और करनाल शामिल है। प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक बरसात दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी को देखते हुए सीएम अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी करेंगे। वह औसत से अधिक बरसात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का निरीक्षण करेंगे और उस पर चर्चा की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से निपटा जा सके। वहीं मौसम विभाग द्वारा बरसात की चेतावनी के बाद आमजन और प्रशासन की भी सांसें फूलने लगी हैं। यदि बरसात ऐसे ही जारी रही तो यमुना और घग्गर का जलस्तर और बढ़ जाएगा और आसपास के गांव को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अब तक मानसून सीजन में 242.8 mm बरसात दर्ज की गई है। यह सामान्य से 54% ज्यादा है। हरियाणा के सोनीपत में 111%, रेवाड़ी में 107%, पानीपत में 120%, पंचकुला में 111%, कुरुक्षेत्र में 229% ज्यादा बरसात दर्ज की गई है।